गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एराइल हैलाइड। हमने एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में इससे लास्ट वीडियो में पढ़ी थी और मेटल के साथ में जो रिएक्शन थी वो भी डिस्कस करी थी, प्लस रिडक्शन भी डिस्कस किया था एल्काइल हैलाइड के पार्ट नंबर 5 में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एराइल हैलाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि एराइल हैलाइड होता क्या है या एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में फर्क क्या है। अगर किसी भी कंपाउंड में हैलोजन बेंजीन रिंग से सीधी अटैच हो तो हम उसको एराइल हैलाइड कहते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये सीएल बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड, इसलिए इस कंपाउंड को हम कहेंगे एराइल हैलाइड। लेकिन अगर ये सीएल डायरेक्ट अटैच नहीं है और ये ऐसे अटैच है तो हम इसको कहेंगे एराइल एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर बेंजीन रिंग नहीं है और स्ट्रेट चेन कार्बन से या ब्रांच चेन से अटैच है तब हम इसको कहेंगे एल्काइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, जबकि एराइल एल्काइल हैलाइड में हैलोजन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा और एल्काइल हैलाइड में स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन कुल मिलाकर रिंग नहीं होगी। क्लियर? तो अब हम देखते हैं एराइल हैलाइड बनाने के कुछ तरीके। जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। तो अगर हम NH2 की रिएक्शन, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि अगर हम एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराते और इसके लिए टेम्परेचर 0 to 5 degree होना चाहिए, अगर NH2 रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर NH2 रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो NH2 से N2Cl बनेगा, और अगर रिंग से NH2 कनेक्ट नहीं है तो फिर OH लग जाएगा। सबसे सिंपल मैथ, क्योंकि यह डायरेक्टली कनेक्ट है इसलिए हमारा प्रोडक्ट बनेगा N2Cl। और इस रिएक्शन का नाम है डायजोटाइजेशन। जब हम इस डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराने का कंसेप्ट यह है कि N2Cl हटाओ और नेगेटिव लगाओ, और अगर नाइट्रोजन हट जाए N2Cl से तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन HCl से कॉपर की प्रेजेंस में कराई तो HCl का नेगेटिव पार्ट जाकर उसकी जगह पर अटैच हो गया और इस रिएक्शन को गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं। गाटरमान कोच नहीं, गाटरमान कोच रिएक्शन में एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में गाटरमान कोच रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ गाटरमान रिएक्शन। अगर मैं इस HCl के साथ में कैटलिस्ट चेंज कर दूं और क्यूप्रस क्लोराइड ले लूं तो फिर से Cl ही लगेगा, लेकिन अब रिएक्शन का नेम बदलकर सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा, जो 12th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एल्काइल हैलाइड बनाने का। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम इस बेंजीन की रिएक्शन कराएं, इस बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से कराएं, अब रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराने के लिए किसी लुईस एसिड का होना जरूरी है। अगर लुईस एसिड नहीं है तो फिर रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। तो अगर मैंने यहां पर कोई लुईस एसिड नहीं लिया और लाइट डाल दी तो ये एक्सेप्शनली एडिशन रिएक्शन देता है और सभी जगह पर Cl लग जाएगा। ये ध्यान से देखना, ये 11th क्लास में पढ़ते हैं।
और बन जाएगा क्योंकि इसमें सिक्स कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है, सिक्स क्लोरीन है, तो ट्रिपल सिक्स। इसी को लिंडेन भी कहते हैं और इसको ही बीएचसी भी कहते हैं। लेकिन अगर मैंने सीएल टू के साथ में कोई एफी ले लिया, कोई कैटलिस्ट ले लिया जो लुईस एसिड का काम कर सकता होगा, तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और सबसे पहले एक सीएल रिप्लेस हो जाए। अगर हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते जाएं तो एंड प्रोडक्ट हमारा ये बन जाए, सीएल 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 और यहां भी सीएल और डबल बॉन्ड है। तो जब मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट या लाइट ली तो ट्रिपल सिक्स बना, मतलब एडिशन रिएक्शन हुई। लेकिन जब मैंने एफी लिया तो इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया। यहां पर एफी का काम है लुईस एसिड का, क्योंकि एफी सीएल टू से रिएक्ट करके एफी सीएल थ्री बना देगा और ये एफी सीएल थ्री सीएल से फिर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एफी सीएल फोर माइनस और सीएल पॉजिटिव बना देगा और ये सीएल पॉजिटिव जाकर रिंग पर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। तो अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में कराई, क्योंकि ब्रोमीन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, एक्वस ब्रोमीन से, तो हमारे तीन बीआर लग सकते और यही इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है। क्लियर। दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है फिनॉल से। तो हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, फिनॉल से हम एल्काइल हैलाइड को कैसे बना सकते। तो मैंने यहां NH2 लिया और उसकी जगह पर OH लगा दी और इसकी PCl5 से रिएक्शन कर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि PCl5 को अपने जीवन में सिर्फ ऑक्सीजन से ही मतलब है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को ही चाहता है। तो OH हटाकर Cl लगा। या आप केवल 12th के स्टूडेंट हैं तो आप याद रखो OH हटाओ Cl लगाओ। तो मैंने यहां पर Cl लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस POCl3 बन। पर फिनॉल से क्लोरोबेंजीन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये POCl3 फिर से रिएक्ट करेगा और इस फिनॉल के साथ में रिएक्ट करके, इस फिनॉल के साथ में रिएक्ट करके इसके थ्री मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और सारे ही HCl HCl निकालेंगे और निकालकर प्रोडक्ट ये बना ओ ओ ओ। और इस प्रोडक्ट का नाम होगा ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। तो अगर मैंने फिनॉल से PCl5 की रिएक्शन कराई तो 12th लेवल पर आप काम चला सकते हो, पर नीट के लेवल पर या जेई के लेवल पर फिनॉल और PCl5 क्लोरोबेंजीन के बजाय, क्लोरोबेंजीन के बजाय ट्राइफेनाइल फॉस्फेट ही डोमिनेटिंग प्रोडक्ट देगा, ये बात आप याद रखना। तो ये हो गया हमारा नीट के लिए इंपॉर्टेंट या जेई के लिए इंपॉर्टेंट कि फिनॉल से क्या बनेगा। क्लियर। अब हम चलते हैं और देखते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि जो एल्काइल एराइल हैलाइड है वो वाटर से हैवियर होते, मतलब अगर हम पानी में एराइल हैलाइड को डुबोएंगे तो वो डूब जाएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा, और उनमें भी सबसे ज्यादा होगा आयोडीन का। ठीक है, तो सबसे पहले एराइल आयोडाइड, फिर हमारा एराइल ब्रोमाइड और फिर हो जाएगा क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। अब हम देखेंगे आइसोमेरिक हैलाइड में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो अगर मैंने सिर्फ एक एक हैलोजन लगाया है आयोडीन ब्रोमाइड क्लोराइड, तो आयोडाइड वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम डाई हैलोजन की बात करें तब क्या होगा, और यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लाइक। तो मैंने यहां पर
तीन कंपाउंड बना दिए, ये क्लोरोबेंजीन है जो ऑर्थो है, दूसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया जो मेटा क्लोरोबेंजीन डाई क्लोरोबेंजीन, और तीसरा बनाया पैरा डाई क्लोरो। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने पिछले ऑर्डर में भी डिस्कस किया था, तो अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या इनका ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें ऑर्थो का 180 डिग्री। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, और जो मेटा है क्योंकि मेटा की सिमेट्री सही नहीं होती इसलिए इसका 174 और डाइक्लोरो का 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डेफिनेट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो एक मिनट हम देखते हैं, तो आप ट्राई मारो कि इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जब हम ऑर्डर देखते हैं केल्विन में, तो इसका है 256 केल्विन, और जो मेटा आइसोमर है उसका है 249 केल्विन, ठीक है ना। और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट है 323 केल्विन, इसको भी हटाकर हम केल्विन में ही लिख देते बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है सबसे ज्यादा किसका, 453 केल्विन ऑर्थो का, उससे थोड़ा कम 446 केल्विन मेटा का, और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा 488। तो बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ऑर्थो का है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा पैरा का है। तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पर डिपेंड करता है। तो एक पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो एक दूसरे के ऊपर पैक होती चली जाएगी, कोई रिपल्सन नहीं होगा या रिपल्सन मिनिमम होगा, जबकि मेटा और ऑर्थो में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, इसलिए मेटा और ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट पैरा के कंपैरेटिवली कम होता है। तो पैरा का कम क्यों है, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पर ही क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में चले जाए। तो मैं आपको बहुत दिनों से एक लाइन बोल रहा हूं, और वो लाइन ये है कि जब हैलोजन बेंजीन रिंग से या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो फिर उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है और वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। अब इसका क्वेश्चन आता है कि एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी से कम क्यों होती है। तो हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी का रीजन, कि एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है जबकि एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव क्यों है। इसके मल्टीपल रीजन है, और अगर हम मल्टीपल रीजन लिखेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स मिल सकते। तो हमने यहां पर क्लोरोबेंजीन को बना लिया। पहला इसका आंसर है कि जो क्लोरोबेंजीन है वो इस रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये लॉन पेयर तो इस जगह पर आ जाएगा और बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो सीएल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर ले, और डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करने के वजह से अब इसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले एटम्स को रिमूव करना इतना आसान नहीं है। अगर आप 12th के बच्चे हैं
तो आपको सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आपको डेफिनेट पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई, जबकि अल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस जैसा कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड एराइल हैलाइड के बॉन्ड से लॉन्गर है, इसलिए एराइल हैलाइड रेजोनेंस की वजह से आसानी से रिएक्ट नहीं करता। इसका दूसरा रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जबकि इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बेंजीन रिंग से Cl ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस की वजह से एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाती। अब आया तीसरा रीजन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, थर्ड फैक्टर। तो जब ये Cl यहां से हटेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये हटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कहेंगे इथाइल कार्बोकेटाइन, जबकि इस वाले को हम कहेंगे फिनाइल कार्बोकेटाइन। मैंने जब लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था तो बताया था कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 100% आना ही चाहिए। फिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से लेस होती है, इसलिए क्लोरोबेंजीन अपना Cl लूज नहीं करेगा, क्योंकि लूज करने से उसकी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो तीसरा रीजन हो गया कि एराइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो Cl को लूज नहीं करता है। अब फोर्थ रीजन ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के आगे और पीछे पाई इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, और जब कोई न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग उसको रिपेल करेगी और इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्टी के साथ में देता है। तो हम यहां पर पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब मैंने Cl की रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो मैं इसको अलग अलग टेम्परेचर पे कराऊं, ठीक है ना, या इनमें NO2 ग्रुप बढ़ाता जाऊं, तो फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो मैंने सिंपल क्लोरोबेंजीन से कराई, और इस रिएक्शन को कराने के लिए 623 केल्विन टेम्परेचर प्लस 600 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए, तब ये Cl इससे रिप्लेस होता है, जो नॉर्मली डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसे मैंने यहां NO2 एक इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती। तो जब अब हम रिएक्शन NaOH से करते हैं तो ये 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती, मतलब रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई, किसकी वजह से, NO2 की। लेकिन जब मैं क्लोरोबेंजीन में दो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर,
एक मैंने पैरा पे लगाया और दूसरा ऑर्थो पे। तो अब जो रिएक्शन हुई वो एनएमएच के साथ में 336 केल्विन के आसपास ही होगी। तो यहां OH लग गया NO2 और यहां भी NO2, लेकिन जब मैंने इसमें तीन NO2 लगा दिए तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही होता थी। तो अब यहां पर पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से कराऊं तो ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी और इस सीएल के जगह पर OH लग जाएगा। तो हमें वो क्वेश्चन देगा ये चार चॉइस में चार कंपाउंड और कहेगा कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पास।